इस रोड शो से जो है यहाँ पर कड़ा संदेश जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो जलवा अभी भी बीजेपी का कायम है। बार बार जो आकर के राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं कि हम 150 सीटें लाएंगे, एक भी सीट जो है यहाँ पर कम नहीं आएगी कांग्रेस के। और उनको ये देख सकते सीधे तौर पर विजुअल्स में आप इस समय एक्सक्लूसिवली प्यारा हिंदुस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर पुष्प वर्षा करके पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए सीधे तौर पर आप देख सकते हैं इस समय विजुअल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और यहीं पर अब जो है इस रोड शो को समाप्त किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस समय अब अरे आराम से यार विजुअल्स में अब आप यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो यहां पर इस रोड शो में यहां पर जो ये रोड शो निकाला गया इंदौर में और यहीं इस राजबाड़ा क्षेत्र में आकर के अब ये रोड शो को संपन्न करेंगे। और यहीं पर आकर के जो है अगर बात की जाए यहीं पर आकर के जो देवी अहिल्या बाई जी की यहां पर प्रतिमा है आकर के जो है देवी अहिल्या बाई जी की प्रतिमा पर जो है यहां पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस सबसे कुछ ही क्षणों में। और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहां पर जो है इंदौर वासी आपको नजर आएंगे, महिलाएं भी जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आई हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में। और प्रचार प्रसार थमने से पहले एक यहाँ पर जो है बड़ा मैसेज आज जो है बीजेपी वो इंदौर से यहाँ पर देने का प्रयास करती हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। इंदौर में हमारी टीम आ पहुंची, आप देख सकते हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है वो यहां पर निकल रहा है। और आप सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। और एक बड़ा जनसैलाब जो है वो इंदौर की सड़कों पर अभी आपको जो है वो यहाँ पर नजर आएगा जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं इस समय सीधे तौर पर जो है यहाँ आपको विजुअल्स में नजर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर इस रोड शो में जो है सीधे तौर पर पीएम मोदी जो है यहाँ पर एक बड़ा जनसैलाब उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आ पहुंचा है इंदौर की सड़कों पर। और देखिए सीधे तौर पर इस समय जो है दोनों तरफ आपको बड़ा जमावड़ा जो है वो यहाँ पर ना ही केवल अगर बात की जाए यहाँ पर नौजवानों का बल्कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग, बड़ी संख्या में महिलाएं, छोटे बच्चे वो सब यहाँ पर इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर। एक तरफ त्योहारी सीजन भी चल रहा है, धनतेरस और दिवाली का त्यौहार हुआ अभी जो है, भैया दूज जो है वो पूरे देश भर में पूरी दुनिया में लोग मना रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर क्योंकि चुनाव भी चल रहा है, लोकतंत्र का भी त्यौहार है, 17 नवंबर को एक ही फेज में जो है 230 सीटों पर मतदान होगा। और इसी बीच त्योहारों के बीच आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहां पर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और इस रोड शो से जो है यहां पर कड़ा संदेश जो है वो यहां पर दिया जा रहा है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो जलवा अभी भी बीजेपी का कायम है। बार बार जो आकर के राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि हम 150 सीटें लाएंगे, एक भी सीट जो है यहां पर कम नहीं आएगी कांग्रेस के। और उनको ये देख सकते सीधे तौर पर विजुअल्स में आप इस समय एक्सक्लूसिवली प्यारा हिंदुस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर पुष्प वर्षा करके पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए सीधे तौर पर आप देख सकते हैं इस समय विजुअल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और यहीं पर अब जो है इस रोड शो को समाप्त किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस समय अब अरे आराम से यार विजुअल्स में आप देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद किस प्रकार से यहां पर आपको ये भी दिखेगा कि बड़ी संख्या में लोग जो है यहां पर बड़ी संख्या में जो है यहां पर लोगों की तादाद लाखों की अगर अंक बचा करके
शादी की है और सीधे अहिल्याबाई होलकर जी की जो यहाँ पर प्रतिमा है, प्रतिमा पर जो है यहाँ पर माल्यार्पण करके इस रोड शो की जो है यहाँ पर समाप्ति जो है वो की जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं इस समय विजुअल्स में जो है दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ आपको जो है लाखों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर नजर आएंगे जो इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए सुबह से ही दोपहर से ही यहाँ पर इस रूट पर जो है वो मौजूद थे। विजुअल्स में भी आपको वो नजर आएगा कि पहले मौजूदगी जो है वो ये दर्शाती है। यहाँ पर बीजेपी ने ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि 17 नवंबर को जो मतदान होने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर, कितना प्यार जो है लोगों का मिल रहा है, लोग जो है झूम रहे हैं यहाँ पर अगर बात की जाए। और सीधे तौर पर इस समय विजुअल्स में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपना रोड शो जो है वो यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं और अब जो है वो देवी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर जो है सीधे तौर पर माल्यार्पण करके जो है यहाँ पर इस रोड शो को औपचारिक रूप से जो है यहाँ पर अब खत्म जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग जो है वो दोनों किनारे आपको नजर आएंगे। ये खुद आप जो है यहाँ पर विजुअल से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आखिरी में जो यहाँ पर प्रचार प्रसार थमने वाला है उससे ठीक पहले इंदौर में इतना बड़ा रोड शो करना कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज जो है वो देने का प्रयास है बीजेपी मध्य प्रदेश की तरफ से कि यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर जो है लोगों की बड़ी मौजूदगी है बार बार इंदौर जो यहाँ पर एक है यहाँ पर बीजेपी का सीधे तौर पर अगर बात की जाए और मालवा क्षेत्र तो हमेशा से बीजेपी को यहाँ से जो है वो लीड प्राप्त होती रही है और बीजेपी के लिए हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो ये हमेशा से मालवा का गढ़ जो है वो रहा है और कहीं ना कहीं उस गढ़ को और ज्यादा जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की जो है हमने देखा यहाँ पर मुहिम चलाई गई बीजेपी की तरफ से और इस मुहिम से चुनाव लड़ा गया कि जो अपना क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो ताकि पिछली बार 2018 में जो सीटें यहाँ पर रह गई थी, जो सीटें नहीं आ पाई थी उन सीटों पर जो है जहाँ पर कई वर्षों से बीजेपी को जीत प्राप्त होती थी लेकिन किसी कारणवश या फिर कहा जाए कि एंटी इनकमबेंसी फैक्टर या फिर वो जो 2 लाख की बात कही गई थी राहुल गांधी की तरफ से उस समय उसका प्रभाव जो है वो किसानों में देखने को मिला था और एक बड़ी संख्या में वोट के साथ जो है यहाँ पर सीटें कांग्रेस ने जीत प्राप्त की थी। लेकिन उसके बाद अब जो पिछले 2.5 महीने से लगातार कवरेज करके हम आपको दिखा रहे हैं एक बड़ा रोष जो है वो लोगों में इस चीज के प्रति है कि जो कहकर के सत्ता में आई थी कांग्रेस पार्टी वो 2 लाख का कर्जा माफ नहीं और अब भी वो एक जो है बड़ा यहाँ पर इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ जो है ये रोड शो जो इंदौर में पर मोदी की तरफ से पर जो है समाप्त हो चुका है, बड़े लोग जो है वो यहाँ पर तो इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने यहाँ पर पहुंचना चाहते थे किसी कारण, क्योंकि पूरा इंदौर जो है वो इस समय पैक हो चुका है और पूरे इंदौर की अगर बात जाए यहाँ की वजह जो है यहाँ का प्रयास और अभी भी पीएम छिंदवाड़ा पर की जाए तो किस तो आप देख सकते हैं इस समय भी मैं सीधे तौर पर आपको नजर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जो प्रतिमा पर माल्यार्पण अभी उन्होंने की और यहाँ पर आप दिखाने करेंगे कि चारों तरफ जो है यहाँ पर पेड़ हैं और ये जो पूरा यहाँ पर अगर गार्डन जो ये बनाया जो है वो प्रतिमा मौजूद है जहां पर इस समय माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर बात की जाए यहां पर देवी अहिल्याबाई जी की भी तो उनका भी आवाज ब्रेक